इमरान खान एनआरओ दे सकते हैं ना ले सकते हैं, हुकूमत बॉन्ड्स के बहाने तावान लेना चाहती है। इंडेमनिटी बॉन्ड का जवाब क्या है? ये घटिया हरकत और छोटे जहन की अक्कासी है। महकमा दाखला नैब और नैब महकमा दाखला की जानिब गेंद फेंक रहा है। 2000 प्लेटलेट्स पर अंदरूनी ब्लीडिंग ना होना मौजजा है। डॉक्टर ने फौरी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने की तजवीज दी। सेहत पर सियासत बंद कर दें। सदर मुस्लिम लीग नून ने सिलेक्टेड वजीर आजम का नवाज शरीफ के साथ रवैया मुतासिबाना करार दे दिया। बड़े भाई को कुछ हुआ तो इमरान नियाजी जिम्मेदार होंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत को वार्निंग। मैं और हमारी पार्टी ने इस मुतालबे को वाजे तौर पर रिजेक्ट किया है और ये हमें हरगिज कबूल नहीं। और इमरान खान नियाजी अगर आज सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी मसले को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी भूल है। ये तीन वर्ड्स NRO ना वो दे सकते हैं ना वो ले सकते हैं, ये इंडेमनिटी बॉन्ड की आग में ये तावान लेना चाहते हैं। पूरी कौम इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत पर परेशान है, मगर ये हुकूमत सिर्फ सियासत के लिए परेशान है। इसलिए मैंने ये कहा कि किसी सूरत भी हम ये इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त नहीं मान सकते। भरपूर अंदाज में इसकी मुखालफत की और कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है। और ये कहते हैं कि ये एक मेडिकल हिस्ट्री में ये एक मिरेकल है कि 2000 प्लेटलेट के ऊपर इंटरनल ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई। ये मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था। इस बोर्ड ने लिख कर दे दिया कि नवाज शरीफ की जो सूरत हाल है वो इस बात की मुतकाजी है कि इनको फिल फौर बाहर जाना चाहिए और बाहर से इलाज करवाएं। जिस संग दिली और छोटे जहन के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने जो सियासी खेल रचा रखा है वो इंतहाई काबले मुज़म्मत है। This intentional delay with the perverted mentality and mindset, खुदा ना कसम हुआ तो मैं इमरान खान नियाज़ी आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा इसका।